मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटी भोजपुर विधानसभा सीट भाजपा और पटवा परिवार का अभेद किला बना हुआ है। भोजपुर सीट पर पहले पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा और फिर सुरेंद्र पटवा का कब्जा रहा है। इस इलाके से जीतकर जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे, लेकिन क्षेत्र में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यहां बेरोजगारी, बिजली, सड़क और पानी मुख्य समस्या है। बद इंतजामी से जनता परेशान है और नाराज है, जिसका खामियाजा इस बार विधायक सुरेंद्र पटवा को उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे विकास विकास मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। अब ये कागजी कार्रवाई है और कुछ नहीं है। अभी बस जो है नाच गाने के सिवा कुछ करवा नहीं रहा, विकास के नाम पे ठप्पा है। अरे शिकायत तो करें, मगर शिकायत सुनने आता तो थोड़ी है कोई। ये नाराजगी और शिकायतें भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के सियासतदानों के लिए खतरे की घंटी है। अगर वक्त रहते इनकी नाराजगी दूर नहीं की गई, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। जी हां, राजधानी भोपाल की सीमा से सटी भोजपुर विधानसभा की तासीर शहरी और ग्रामीण दोनों है। भोजपुर से लेकर मंडीदीप और पाड़ी के कुछ इलाकों में फैले इस विधानसभा क्षेत्र में मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज, गौहरगंज, सुल्तानपुर के साथ साथ करीब 300 गांव आते हैं। इन इलाकों में सड़कों का बुरा हाल है। शहर में तो गाड़ियां जैसे तैसे गड्ढों भरे रास्तों से निकल जाती हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हालात आप खुद देख लीजिए। बोलते हैं, सुनते ही नहीं है, कभी आते हैं यहाँ पे देखते भी नहीं है। जहाँ के देखे सरपंच से भी लड़ू मैं तो आजाद। सड़क भी नहीं है, बिजली पानी कुछ नहीं है। पटवारी खुद यहाँ पे आए थे सर, उनसे बोला, बोले एक महीने में रोड बन जाएगी। एक महीने से आज 4 महीने हो गए यहाँ पे, अभी तक रास्ते का पता नहीं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में केवल सड़कों का ही बुरा हाल नहीं है, बल्कि किसान और ग्रामीण अब भी बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सरकारी अस्पताल तो है, लेकिन न तो अच्छे डॉक्टर हैं और न ही इलाज के लिए मशीनें, लिहाजा मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाना पड़ता है। हल्की मायने में कोई काम ही नहीं हुआ ऐसे किसानों के बारे में, नौकरी के बारे में। लगभग लोग बेचारे ये है कि जो 12वीं पास होंगे वो तक भी बेचारे बखर गए हैं। हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, न लाइन नहीं डर पा रहे, 8-8 दिन में पानी नहीं मिल पाता, ये समस्या है। किसानों की स्थिति की बिल्कुल मत पूछो, 8 महीना गारे में खपो और चेक से पैसा मिलेगा। बनिया ने कमाया है, हमने थोड़ी कमाया। भोजपुर में रोजगार के अवसरों की कमी आने वाले चुनाव में बड़ा सियासी मुद्दा बनना तय है। औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप होने के बाद भी यहां स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता। दरअसल अधिकांश फैक्ट्रियों में यूपी और बिहार के लोगों को काम दिया जा रहा है, जिस वजह से यहां के युवा बेरोजगार घूमने को मजबूर है। विकास के हिसाब से तो भाई साहब भोजपुर क्षेत्र चूँकि राजधानी से लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद पिछड़े जिलों जैसे हाल है यहाँ पर। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन लोकल भोजपुर के युवाओं को वहाँ नौकरी नहीं दी गई है। टोटल यूपी और बिहार का आदमी वहाँ पर नौकरी कर रहा है और यहाँ का युवा बेरोजगार भटक रहा है। ठेके प्रथा के ऊपर जाके वो 5-5, 4-4 हज़ार की नौकरी करने को मजबूर है। यहाँ कोई काम धाम नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्री बाहर की आएंगे, यहाँ के वर्कर बाहर जा रहे हैं काम करने, यहाँ के लोगों को काम नहीं मिलता, बाहर के लोगों को यहाँ काम मिलता। वहीं भोजपुर में समस्याएं सुलझने के बजाय सियासत के जाल में उलझती ज्यादा नजर आती हैं, जहां कांग्रेस के नेता तमाम मुद्दों को लेकर विधायक सुरेंद्र पटवा को घेरने में जुट गए हैं। वहीं बीजेपी विधायक का कहना है कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। चुनाव आते हैं तब आ जाते हैं और चेतुओं की तरह फसल काट के जो गोल होते हैं तो फिर उनका 4 साल पता नहीं रहता। और 1 साल पहले जैसे अभी 6-7 महीने बचे हुए चुनाव के आ जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा विकास हुआ है जो पिछले 15-20 सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी हारा हुआ प्रत्याशी कभी सक्रिय नहीं रहा। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की कमी नहीं है, सियासतदान और पार्टियां भी अपनी अपनी सहूलियतों के हिसाब से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश में लग गई हैं। अब देखना है कि मतदाता के मन के खेत में किसका रोपा ज्यादा अच्छे से लगता है। राजधानी भोपाल से सटी भोजपुर विधानसभा सीट पे स्थानीय समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। रोजगार के क्षेत्र में भी इस इलाके में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालात ये हैं कि मंडीदीप जैसा इंडस्ट्रियल हब होने के बाद भी इस इलाके में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी भी है। हालाँकि मतदाताओं की ये नाराजगी बीजेपी का गढ़ होने की वजह से बेअसर साबित होती आई है। कैमरामैन अमरीश के साथ सत्यविजय सिंह, IBC 24 भोजपुर।
भोजपुर विधानसभा के सियासी इतिहास की बात की जाए तो कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 1985 में जब सुंदरलाल पटवा यहां से पहली बार चुनाव लड़े उसके बाद यहां कांग्रेस सिर्फ 2003 में ही चुनाव जीत पाई है। सीट पर पटवा परिवार का दबदबा, इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2013 में सुरेंद्र पटवा ने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को भी शिकस्त दे दी। ये वो भव्य शिव मंदिर है जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र को बेहद खास बनाता है। जो भी इस मंदिर को देखने आता है इसकी भव्यता में खो जाता है और उसके मन में यही सवाल पैदा होता है कि 1000 साल पहले इस तरह का निर्माण कार्य कैसे किया गया होगा। कुछ इसी तरह के सवाल यहाँ के सियासी गलियारों में भी उठते हैं। आखिर भोजपुर विधानसभा क्षेत्र जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था उसे बीजेपी ने अपना मजबूत किला कैसे बना लिया और पटवा परिवार के इर्द गिर्द क्यों घूमती है यहाँ की राजनीति। वैसे भोजपुर के सियासी इतिहास की बात की जाए तो 1967 में अस्तित्व में आई इस विधानसभा पर पहली बार हुए चुनाव में जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब चंद को जीत का तिलक लगाया था। गुलाब चंद यहाँ से लगातार 10 साल क्षेत्र के विधायक रहे, लेकिन 1985 के बाद इस सीट पर पटवा परिवार का कब्जा हो गया। 1985 से 1998 तक सुंदरलाल पटवा ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद 2003 में उनके उत्तराधिकारी सुरेंद्र पटवा यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल से हार गए। हालांकि सुरेंद्र पटवा ने 2008 के विधानसभा चुनाव में राजेश पटेल को मात देकर पिछली हार का बदला ले लिया। 2013 में बीजेपी ने एक बार फिर सुरेंद्र पटवा को टिकट दिया जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को शिकस्त दी। इस चुनाव में बीजेपी को जहां 80,491 वोट मिले वहीं कांग्रेस 60,342 वोट ही ले सकी। इस तरह जीत का अंतर 20,149 वोटों का रहा। भोजपुर में जाति समीकरण की बात की जाए तो आदिवासी और मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। हालांकि 2.25 लाख मतदाता वाली इस सीट पर चुनावी नतीजों को देखकर तो यही लगता है कि भोजपुर विधानसभा में कास्ट फैक्टर ज्यादा असर नहीं डालती। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और राजकुमार पटेल जैसे दिग्गज कांग्रेसी भी भोजपुर विधानसभा सीट से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। हालांकि किसी को भी सफलता हाथ नहीं लगी है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किस प्रत्याशी पर दाव खेलती है और वो प्रत्याशी पटवा को पटकनी दे पाता है या नहीं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ सत्यविजय सिंह, IBC 24, भोपाल। सुरेंद्र पटवा ने अपने चाचा सुंदरलाल पटवा की विरासत संभाली और दो बार से वो लगातार विधायक भी चुनकर आए। सुरेंद्र पटवा वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी हैं, लेकिन सुरेंद्र पटवा वो जादू नहीं चला पाए जो उनके चाचा ने क्षेत्र में किया था। हालांकि भोजपुर में बीजेपी से सुरेंद्र पटवा टिकट के स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि पार्टी उनको कहीं और से चुनाव लड़ा सकती है। वहीं कांग्रेस से कई नेता टिकट के लिए ताल ठोक रहे हैं। भोजपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही सबसे पहले जहन में जो आता है उसमें पहला है भोजपुर का भव्य शिव मंदिर और दूसरे हैं मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री रहे सुंदरलाल पटवा। सियासत की बात करें तो भोजपुर में पटवा परिवार का सियासी दबदबा रहा है। सुंदरलाल पटवा के बाद यहां उनके भतीजे सुरेंद्र पटवा परिवार की सियासी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। 2003 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुरेंद्र पटवा शिवराज सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री भी हैं और अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की तरफ से टिकट के स्वाभाविक दावेदार हैं। पटवा के मुताबिक भोजपुर के लिए वो नेता नहीं बल्कि बेटा बनकर काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। कि मैं भोजपुर के लिए न मंत्री हूँ न विधायक हूँ, मैं भोजपुर के क्षेत्र में हमेशा परिवार का सदस्य होकर रहता हूँ। क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय पद्म विभूषण सुंदरलाल पटवा जी ने इस बात को कहा था कि सुरेंद्र तुमको नेता बनना हो तो प्रदेश का बनना, लेकिन अगर भोजपुर में काम करना तो हर परिवार का सदस्य बनकर काम करना। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की बात करें
तो कई नेता विधायक का टिकट पाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस लिस्ट में सबसे मजबूत दावेदार हैं। पचौरी के मुताबिक भोजपुर में उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जहां तक मैं समझता हूं तो इसको राजनीतिक दृष्टि से न लिया जाए, जितना भोजपुर क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। भोजपुर में अगर कांग्रेस किसी युवा प्रत्याशी को मौका देती है तो सुरेश पचौरी के भतीजे गौरव पचौरी भी प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा राजेश पटेल और राजकुमार पटेल भी इस क्षेत्र से कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं। वहीं मंडीदीप नगर पालिका के अध्यक्ष बद्री सिंह चौहान भी चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि उनके नेता सुरेश पचौरी हैं और वो जो फैसला लेंगे उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनेगी। स्थानीय मुद्दा तो यही है कि स्थानीय आदमी को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो 100% क्या 1000% वो आदमी जीतेगा यहाँ से। मैं तो साहब जो कुछ पूरा टोटल मेरा दारोमदार है वो परम आदरणीय सुरेश पचौरी जी के आशीर्वाद से ही होगा। अगर वो मेरे से कहेंगे कि भाई तुम्हें चुनाव लड़ना तो 1000% लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। कुल मिलाकर भोजपुर में सियासी जंग आसान नहीं रहने वाली है। बीजेपी में जहाँ मौजूदा विधायक को एक बार फिर टिकट मिलना तय नजर आ रहा है, वहीं कांग्रेस के सामने पहली चुनौती तो सही उम्मीदवार चुनने की ही है। भोजपुर इलाके की जनता ने जनप्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, लेकिन चुनाव बीतने के बाद यहां कोई भी नेता नहीं आता। जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी की वजह से ही यहां की जनता बेहाल है और इस इलाके में विकास सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। कैमरामैन अमरीश के साथ सत्य विजय सिंह, IBC 24 भोपाल। भोजपुर की जनता पिछले कई सालों से बीजेपी और पटवा परिवार पर अपना भरोसा जता रही है, लेकिन आज भी यहाँ की जनता बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भोजपुर की जनता अपने विधायक के कार्यकाल को लेकर क्या सोचती है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। कोई नल जल सुविधा नहीं है। मैं तो अपने ये अवार्ड पंचायत है जिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा अवार्ड है, यहाँ पे भोज ये गांव है 2-3 किलोमीटर हिमालय सिंहपुर, वहाँ पे जल की व्यवस्था कोई नहीं है, अभी तक वहाँ कोई कुछ नहीं है। क्या है कि अब जो कई गरीब आदमी के बच्चे लोगों ने मजदूरी कर करके पढ़ा लिया, आज वो भी बेचारे मजदूरी धान लगाने जा रहे हैं 150-200 रुपये में। अगर कोई बताए कि तुम ये करो तो उसे हम करके देखें, जब हमको कोई बताता ही नहीं है और कोई है ही नहीं यहाँ तो फिर किससे कहें। यहाँ के बाहर के लोग आके राज कर रहे हैं और हम लोग उनका झंडा उठा रहे हैं। काम में कोई विशेष दिख नहीं रहा, वो जो केंद्र से आया है वही चल रहा है, यहाँ स्थानीय स्तर पे तो कुछ भी नहीं हुआ काम। पंचायत में जहाँ पैसे नहीं आते जो पंचायत काम करवा है, पंचायत की समस्या सबसे बड़ी। भोजपुर विधानसभा के विधायक और मंत्री सुरेंद्र पटुआ की माने तो चुनाव कोई भी हो हमेशा चुनौती इस बात की रहती है कि आपने विधायक रहते कितना काम किया और जनता का कितना विश्वास जीतने में कामयाब हुए। इन सभी मुद्दों के अलावा आगामी चुनावी रणनीति को लेकर सत्यविजय सिंह ने विधायक सुरेंद्र पटुआ से बातचीत की। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे भोजपुर विधानसभा सीट की और हमारे साथ हैं भोजपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुन के आए सुरेंद्र पटवा जी, जो कि अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। पटवा जी, कितनी चुनौती रहती है लगातार जीतना और जनता का विश्वास कायम रखना? चुनाव कोई भी हो हमेशा चुनौती इस बात को लेकर होती है कि आपने विधायक रहते हुए कितना काम किया, चाहे वो विकास से संबंधित हो, चाहे जनता के बीच में अपनी स्वयं की एक पेट जमाने की बात हो, और विश्वसनीयता के मामले में जनता का विश्वास जीतना, इन सब विषयों पर हम लोग काम करते हैं लगातार। लेकिन उसके बाद भी विधानसभा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि एक साथ सब गाँव में काम नहीं हो सकते। लगभग हमारे यहाँ विधानसभा में 300 गांव है, ज़िले में 1300 गांव है, पर उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारा ऐसा विकास हुआ है जो पिछले 15-20 सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जनता के बीच में जब हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। रोजगार की बात किया है तो मंडीदीप जैसा इंडस्ट्रियल हब होने के बाद भी बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यूपी बाहर से लेबर आ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है।
सामान्यतः इस बात को आज के विषय में देखा जाता, लेकिन जब 2003 के पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 98 में बहुत सारी यूनिट सीक हो चुकी थी और मंडीदीप में आज जो उद्योगों का वातावरण है सारी इंडस्ट्री प्रॉफिट में है। हम लगभग मंडीदीप से 6000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट करते हैं। और जहाँ तक ये विषय आपने बताया कि बिहार और यूपी के लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से जिस योग्यता के अनुसार लोगों को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, ये कहना बिल्कुल गलत है कि स्थानीय लोगों को यहाँ पर रोज़गार नहीं दिया जाता है। स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर की योग्यता के हिसाब से रोज़गार दिया जाता है और हम समय समय पर हमारे जितने भी मंडीदीप के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको रोज़गार दिलाने का काम करते हैं। लोगों की ये नाराज़गी है कि मंत्री बनने के बाद से आप क्षेत्र में कम जाते हैं, लोगों के बीच में कम जाते हैं, सिर्फ जो प्रोग्राम होते हैं निश्चित समय के लिए उसी में आते हैं और फिर वापस भोपाल में आकर बैठ जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? सामान्यतः विधायक होना और विधायक के बाद मंत्री होना, क्योंकि बहुत सारी जवाबदारियां मंत्री होने के बाद बढ़ जाती है, प्रभार जिले भी होते हैं और दूसरे विभागीय कार्य भी होते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल असत्य है कि मैं क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं। अभी पिछले 1.5-2 महीने में मैंने 60 से 70 गांव किसान सम्मान यात्रा में और विकास यात्रा में किए हैं और लगातार हम लोग हमारा बिल्कुल जीवंत संपर्क क्षेत्र से रहता है। कई लोगों का वहाँ दावा भी है कि हाँ यहाँ पर फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत स्तर तक क्लीन चिट भी दी है, आप क्या कहेंगे? क्या ये किसी की साजिश है बदनाम करने के लिए या फिर ये विषय 4.5 साल बाद, वैसे भी देखा जाए तो हर साल नए वोट जुड़ते हैं, वोटर लिस्ट आती है, अगर कहीं पर भी आदरणीय पचौरी जी को इस बात की शंका थी या इस विषय को लेकर वो कुछ कहना चाहते थे तो चुनाव के बाद भी कह सकते थे, 2 साल बाद भी कह सकते थे। जैसे ही चुनाव आया और उन्होंने ये विषय न केवल भोजपुर बल्कि नरेला की सीट और होशंगाबाद के लिए उठाया, क्योंकि उनकी नज़र इन तीनों सीटों में से कहीं ना कहीं एक जगह है, चाहे वो लोकसभा के लिए या चाहे विधानसभा के लिए वो लड़ना चाहते हैं। जहाँ तक चुनाव आयोग का सवाल है, उन्होंने क्लीन चीट दी है और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का हताशा का विषय है। और इनकी जीत का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ विकास और जनता के बीच में विश्वास पैदा करना ही है। कैमरामैन रमेश के साथ सत्यविजय सिंह, IBC 24 भोपाल। और अब बात मूड मीटर की। भोजपुर के लोगों से विधायक के कामकाज के तौर तरीके और राज्य सरकार के कामकाज से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए, इन्हीं के जवाब के आधार पर हमने एक मूड मीटर तैयार किया जो ये बता रहा है कि इस विधानसभा के विधायक की स्थिति आने वाले चुनाव में कैसी होगी। हमने इस मूड मीटर के 3 रंगों के जरिए विधायक की स्थिति को बताने का प्रयास किया। यदि मूड मीटर लाल रंग को दर्शाता है तो समझिए विधायक खतरे में, यदि कांटा पीले रंग पर आए तो समझिए विधायक को मेहनत करनी है, और यदि कांटा हरे रंग को दर्शाता है तो समझिए कि विधायक अच्छी स्थिति में है और चुनाव जीत भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहता है मूड मीटर। तो हमारा मूड मीटर कहता है कि फिलहाल विधायक यदि आज की तिथि में चुनाव होते हैं तो खतरे में है, ऐसे में उन्हें और मेहनत करके तैयारी करने की जरूरत है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।